नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज छोला भटूरा की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। छोले भटूरे तो आप सभी ने खाए होंगे, पर ऐसे फूले फूले छोले भटूरे जो तुरंत बना लिए जाए 10 मिनट में, वो हम कैसे बनाते हैं आइए आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये भटूरे हमने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं, क्या डाला है, कितना डाला है, वो सब स्पेशल ट्रिक्स के साथ आप सभी को के साथ शेयर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इन भटूरों को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून सूजी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, 1 स्पून देसी घी, 1/4 कटोरी दही। आइए अब सभी सामग्री को एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक परात ले ली है और उसमें सभी चीज़ों को मिला लेंगे। बहुत सारे लोग भटूरों में मीठा सोडा डालते हैं, बहुत लोग इनो डालते हैं, लेकिन हम बेकिंग पाउडर डाल के बनाते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर में कोई स्वाद नहीं होता है और मीठा सोडा थोड़ा सा डालो तो उसमें हल्का सा एक टेस्ट आता है जो भटूरों में आता है, तो फिर भटूरे का जो एक्चुअल स्वाद होता है ना, वो चला जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बेकिंग पाउडर से कैसे भटूरा अच्छे से बनेगा। बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप यकीन मानिए, जब भटूरा बन के तैयार होगा ना, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये बेकिंग पाउडर डाल के बनाया गया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो क्या मतलब, इतना पानी डालेंगे कि अच्छे से पूरा आटा मिक्स हो जाए। इसका आटा थोड़ा हम लोग सॉफ्ट ही लगाते हैं, क्योंकि भटूरे का आटा थोड़ा लचीला होता है, तो सही होता है। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसे डो के फॉर्म में लाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे से 1 या 2 मिनट तक इसको ऐसे ही मलना पड़ेगा। अब देखिए मेरा आटा धीरे धीरे डो के फॉर्म में तैयार होने लगा। थोड़ी देर इसको और मलेंगे तो जो हाथों पे चिपक रहा है, ये चिपकना बंद हो जाएगा। ये देखिए हमने अच्छे से अपने हाथ धुल लिए और आटे में थोड़ा सा तेल लगा के और इसे 10 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर सेट होने के लिए रख देंगे। इसमें जो हमने सूजी डाली है ना, वो उतनी देर में फूल जाएगी और आटा सॉफ्ट हो जाएगा। कटोरी से ढक देंगे। आप चाहिए तो इसको ये थोड़ा सा कपड़ा गीला करके उससे भी ढक सकते हैं। अब ये हमने कढ़ाई ले ली और इसमें तेल डाल दिया है। अब तेल को गर्म करते हैं। आइए तब तक आटा चेक कर लेते हैं कि जो आटा हमने गूंथ के रखा था वो सॉफ्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए कितना लचीला है, एकदम भटूरों के लिए परफेक्ट आटा। इसमें थोड़ा सा और तेल लगाएंगे, गरम गरम तेल लगा के, और इसको अच्छे से थोड़ा सा और मिक्स करके और इसके पेड़े काट लेंगे।
भटूरे के लिए पेड़े इस तरह काटे जाते हैं अंगूठे और उंगली की मदद से, क्योंकि इसमें जो हमने वो डाला है बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से जो फर्मेंटेशन हुआ है अब हमारे सारे पेड़े कट के तैयार हो गए हैं। आइए इसको बेलने के प्रोसेस में चलते हैं। अब इसमें से एक लुई उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से गोल कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम तेल लगाएंगे और अपनी जहाँ पर बेलना है ना वहाँ पे स्लेब पे थोड़ा सा लगा लेंगे गरम तेल, और बेलन को भी हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसको बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए भटूरा बेल के तैयार। बस इसमें थोड़ा सा ये करना होता है कि जो इसकी साइड होती है उनको ज़्यादा पतली नहीं करनी होती है। बहुत हल्के हाथों से भटूरा बेलना होता है, बहुत हल्के हाथ। आइए इसको तलने के प्रोसेस में। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें भटूरा हम डाल देते हैं। अब कलछी से हल्के हल्के हाथों से इसको तेल में डुबोते हैं। ये देखिए फूल गया ना, अब इसे निकाल लेते हैं। आइए एक भटूरा आपको और तल के दिखा देते हैं। ये देखिए फूल गया ना। भटूरा फूल गया है, गर्मा गर्म भटूरा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।